मनुष्य के पास कितनी क्षमता है, गॉड हैज़ ब्लेस्ड यू अनलिमिटेड पावर्स, यूज़ दिस पावर टू मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स एंड डेस्टिनी। आप रेकी कर सकते हो, इंटेंशन कर सकते हो, सेल्फ कॉन्शियस माइंड को जान सकते हो, टेलीपैथी कर सकते हो, क्लैरवोयंट कर सकते हो और सेल्फ हीलिंग, सेल्फ रियलाइजेशन, आपके पास बहुत सारी पावर है। और जैसे कि आपके ऑरा हैं, उनके 7 चक किस तरह से होते हैं आप देख रहे हो कलरफुल ढंग से। ये आप चलते वक्त भी आपके पास इतनी बड़ी ऊर्जा हमेशा साथ में चलती रहती है। तो पहचाने पावर ऑफ इंटेंशन को। ये है आपका पावर ऑफ इंटेंशन। पावर ऑफ इंटेंशन से आपके अंदर इतनी क्षमता है कि आप उसको कलेक्ट करके किसी भी, जैसे आपको पढ़ना है तो आप रोज़ कहो कि मैं पढ़ सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ, तो ये क्षमता आ जाती है। दिस इज़ फियर ऑफ प्लैनेट। आप क्यों डरते हो ग्रह नक्षत्रों से, इस सबसे नहीं डरना चाहिए। ये हमें बताया जाता है कि ग्रह नक्षत्र भी हमारी सहायता करते हैं कार्यों में। वो खुद चाहते हैं कि हम अच्छा कार्य करें, वो हमारी सहायता करेंगे, लेकिन हमें प्लैनेट से डरना नहीं है। हमें अपने कार्य के लिए हमेशा इंटेंशन लाना है। फियर ऑफ डेथ, धीरे धीरे आपके अंदर से मृत्यु का डर ख़त्म हो जाता है। जब आप कोई भी कार्य करते हैं, आप फुल ऑफ एनर्जी से करते हैं। वो फुल ऑफ एनर्जी कहाँ से मिलती है आपको? जब आप पॉजिटिव सोचते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग क्या है? रोज़ सुबह आप कहिए कि मैं एक दिव्यात्मा हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ प्राणी हूँ, मैं सारा काम अच्छे से कर सकता हूँ। दिस इज़ डिकोडिंग वर्ड्स पोटेंशियल आइडेंटिटी बिहेवियर। अब आपके इस तरह से भी क्षमता आ गई है जिससे आपके फिंगरप्रिंट से बिहेवियर, इंटेलिजेंस, ब्रेन एबिलिटीज़, लर्निंग डिफ़िकल्टीज़, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, सब्जेक्ट एंड कैरियर, ये सब का पता आपके फिंगरप्रिंट से लग सकता है, जिसका आपको अभी तक पता नहीं है कि आपके फिंगरप्रिंट्स के क्या क्या यूज़ होते हैं। ये फिंगरप्रिंट आपको आपकी ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं, जिससे हम आपको दिखाएंगे। कुछ ऐसे भी होते हैं जो एजुकेशन इन इंडिया में मोस्ट फर्स्ट क्लास स्टूडेंट गेट टेक्निकल सीट, सम डिकम डॉक्टर एंड सम इंजीनियर, द सेकंड क्लास पास देन गेट एमबीए, बीकम एडमिनिस्ट्रेटर एंड कंट्रोल द फर्स्ट क्लास, द थर्ड क्लास पास इंटर पॉलिटिकल्स एंड बिकम मिनिस्टर एंड कंट्रोल बोथ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट द फेलियर ज्वाइन द अंडरवर्ल्ड एंड कंट्रोल ऑल द वर्क एंड दोज हु नॉट अटेंड एनी स्कूल। बाबा, फॉर अ फेयर सिलेक्शन एवरीबडी हैज़ टू टेक द सेम एग्जाम, प्लीज क्लाइम दैट ट्री। जिस तरह से एजुकेशन दी जानी चाहिए उनकी क्षमता के अकॉर्डिंग। और एजुकेशन सिस्टम, अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या कहा है, एवरीबडी इज़ अ जीनियस बट इफ़ यू जज अ फिश बाय एबिलिटी टू क्लाइंब अ ट्री, इट विल फाइव इट्स होल लाइफ बिलीव दैट इट इज़ स्टूपिड। मीन्स आपको अपने आप को सुपर समझना है। आपके अंदर बहुत सारी क्षमता है। जैसे आपको ग्रोथ कैसे होता है, आप जानते हैं कि आपके ऑरा होते हैं। ऑरा इतने लंबे, किसी के छोटे, किसी के सबके 2 मीटर होते हैं। अगर 2 मीटर से कम होते हैं तो इसका मतलब आपको कुछ ना कुछ बीमारी होने वाली है। और इसको कैसे हम बढ़ाते हैं, ऑरा की चेकिंग कैसे की जाती है, फोटोग्राफी कैसे होती है जिसे हम पता लगा सकते हैं आपकी क्षमताओं का, तो इस तरह से अगर हम फोटोग्राफी करते हैं तो आपके ऑरा का पता चल जाता है। आपकी जो बीमारियाँ होती हैं वो पता, जैसे पेट में बीमारी है, ब्लैक कलर का दिख रहा है आपको, इस तरह से हम पता करते रहते हैं फ़ोटोग्राफी के माध्यम से। अब हमारे गुरुजी ने कुछ ऐसे भी टेक्निक बता दी हैं जिससे आपके फ़ोटोग्राफी के माध्यम से बीमारियां पता लग सकती हैं। जैसे नंबर 1 की 5 मेथड टू एक्सपेंड योर ऑरा। अपने ऑरा को कैसे बढ़ाएं? रॉ फूड्स मटेरियल, फ्रूट सैलड, नट्स, स्प्राउट एंड जूस पीजिए, रेकी हीलिंग करिए, क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स अपने क्रिस्टल को पहनिए या पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, हमेशा पॉजिटिव विचार रखिए, मेडिटेशन करिए, प्रेयर करिए, मंत्र चैंटिंग करिए, इन सब से आपका ऑरा फैलता है। देखिए, जैसे अब अगर किसी को भी बैक्टीरिया, वायरस इत्यादि से बचाता है क्या? ऑरा। एक्सीडेंट से बचाता है? ऑरा। टीवी कंप्यूटर विकिरणों से, रेडिएशन और टीवी कंप्यूटर एक्सेट्रा से क्यों बचाता है? ऑरा। ऊपरी हवा, हानिकारक पृथ्वी, गलत दृष्टि से, वास्तु से, ग्रहों के प्रभाव, सबसे हमारा ऑरा बचाता है। इसलिए ऑरा को ग्रोथ करो, खूब ग्रोथ करो।
इसको ग्रोथ के लिए हमने फिर से आपको बताया है, रॉ फूड खाइए, रेकी हीलिंग करिए, क्वार्ट्ज क्रिस्टल लीजिए, पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, मेडिटेशन तो ज़रूर करिए। इससे आपके ऑरा डेवलप होते हैं, आपके अंदर इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, आपका ग्रोथ होता है। इन सब चीज़ों से आप पॉजिटिव थिंकर बनते हैं, जो चाहते हैं वो आपको मिलता है। आप रोज़ सुबह पॉजिटिव थिंकिंग करिए कि मुझे जो पाना है, मैं एक बहुत धनी हूँ, मैं बहुत धनी हूँ, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके इमेज को समझता है। दिस इज़ द इंक्रीज योर वाइटल फोर्स फॉर फास्टेस्ट हीलिंग। मीन्स आप इन चीज़ों को अगर टच भी करते हो तो आपके अंदर से आपकी ऑरा डेवलप होती है। जैसे आप गले लगा लो पेड़ों को, पेट एनिमल से प्यार करो, बाहर के वातावरण को देखिए, सर्व प्लांट्स को देखिए, सर्व द हेल्प, किसी की हेल्प करिए, बाहर धूप में घास पे डहलिए, ये सब चीज़ें हैं। किरलियन फोटोग्राफ एनर्जी फील्ड ऑफ अ फिंगर। सबसे पहले हमने जो फिंगर प्रिंट किया था उसको किरलियन फोटोग्राफी ने कैच किया था। फोटो जब आप फिंगर की फ़ोटो करते हैं, किनारे किनारे भी एक एनर्जी फील्ड होती है, ये उन्होंने बताया। जैसे अब यहाँ पे आप देख रहे हो किरलियन फोटोग्राफी से ये एनर्जी बता रही है, अलग अलग फिंगर की अलग अलग एनर्जी होती है। जैसे अब आप पांचों फिंगर लेते हो तो पांचों फिंगर की एनर्जी अलग अलग होती है। अगर आप ब्रेन की लेते हो, ब्रेन की भी अपनी एक एनर्जी होती है। सबके पास एक एनर्जी फील्ड होता है, ये एनर्जी फील्ड आपको ग्रोथ करता है। फ्लावर किरलियन इमेज, इन्होंने इमेज ली है किसी फूल का। फूल का इमेज लेने पर देखिए, हर फूल जो आपका लिविंग थिंग्स है उसके पास भी एक एनर्जी होती है। ये एनर्जी आपको हम दिखाते हैं, जैसे ये आपके चारों तरफ ऑरा है। द टेक्निकल GDV टेक्निक के GDV से आपकी एनर्जी का ऑरा का फोटोग्राफी लिया गया है। ये है किरलियन फोटोग्राफी कंप्यूटर प्रोसेसिंग, इन्होंने फोटोग्राफी बायोवेल के द्वारा ऑरा का फोटोग्राफी की है। और उन्होंने ब्रेन का लिया, जैसे देखिए इस तरह से फोटोग्राफी ली है, जो पहले कैसी होती थी अब कैसी होती है, ठीक है, कोई फिल्टर नहीं है। हर जहाँ पे आपकी कमियाँ दिखाई दे रही है वहाँ ब्लैक ब्लैक होता जा रहा है, और डॉक्टर इसको देख के पता कर सकते हैं कि कहाँ पे आपको कौन सी प्रॉब्लम है। अब आपके आते हैं, जैसे ये देखिए, अब अगर आपको प्रॉब्लम होती है, पहले कैसे होता था इस तरह से, अब ग्रीन होती है कि जब आप कहीं बाहर हो, ठीक, आप प्रॉब्लम में हो तो आपकी रेड होगी। अगर किसी के संपर्क में आ जाते हैं, आज पॉजिटिव थिंकिंग सोचने लगते हैं तो आपकी ऑरा किस तरह बनने लगता है, ये चेंजिंग दिख रही है इसमें। अब देखिए PIP पॉलीकॉन्ट्रास्ट इंटरफ्रेंस फोटोग्राफी, ये हेरी ओल्डफील्ड UK के डॉक्टर हैं, उन्होंने डेवलप किया था। इसमें उन्होंने देखा था कि ऑरा के माध्यम से जब वो नॉर्मली बैठे हुए व्यक्ति का देखते थे तो जहाँ जहाँ ब्लैक दिख रहा है वो बीमारी है, जहाँ जहाँ ब्लैक दिख रहा है वो आपकी बीमारी है, वो पता कर लेते थे कि कहाँ पे उसको कौन सी प्रॉब्लम। पहले उससे बात नहीं करते थे, पहले उसकी चेकिंग करके उसको बता देते तुम्हें ये प्रॉब्लम है, तुम्हें ये प्रॉब्लम है। और अगर वो पॉजिटिव चीज़ें करता है तो उसका ऑरा देखिए कितना अच्छे से ग्रो कर रहा है। ऐसे DSR डिजिटल ऑरा स्कैनर, जो डॉक्टर NK शर्मा हुए गुरु जी ने बताया है, उन्होंने रेकी हीलिंग फाउंडेशन की है, और उन्होंने ये भी बताया कि जो डिजिटल ऑरा स्कैनर होता है उसके माध्यम से हम ऑरा का गुण देख सकते हैं। यूजिंग एनर्जी ऑरा स्कैनर फॉर वेरियस पर्पज, ह्यूमन एनर्जी, वास्तु एनर्जी, ऑब्जेक्ट एनर्जी, ये सारी चीज़ें हम उस स्कैनर से देख सकते हैं। अब क्या करते हैं हम आपको, व्हाट MRI CAT स्कैन कैन नॉट स्कैन दैट कैन बी नोन बाई ऑरा स्कैनर। ये MRI स्कैट है, ये ऑरा स्कैनर तो नहीं कर सकता ना। ऑरा स्कैनर करने के लिए उन्हें डैश का यूज़ करते हैं। डैश के जैसे ऑरा स्कैनर से आपके बीमारियाँ पता दिखिए, इनकी जहाँ ब्लैक है स्टमक के किनारे किनारे, चेस्ट के पास ब्लैक दिख रहा है, इसका मतलब इन्हें प्रॉब्लम होती है, वहाँ पे दर्द होता है। तो जहाँ भी कोई प्रॉब्लम होती है वो ब्लैक ही आपको दिखा देता है। देखिए यहाँ पे इनको चोट लगी थी ब्रेन के पीछे, मिर्गी आती है, इपिलेक्टिक गर्ल, ऐसी गर्ल है ये जिसको मिर्गी आती है, तो ऑरा स्कैनर से पता चल गया कि हाँ इसके ब्रेन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ऐसे ही थायराइड की गर्ल को देखा कि जब स्कैनर किया गया तो उसकी आईज़ में ब्लैक केस, उसके नेक पे ब्लैक केस, ये सब ऑरा स्कैनर डैश के माध्यम से पता चल जाता है। और जब किसी के घुटने में प्रॉब्लम होती है, देखिए घुटने पे रेड रेड दिख रहा है, ये है उनका ऑरा स्कैनर के बाद, तो घुटने की प्रॉब्लम होने की वजह से उनकी दवा घुटने की सूजन को सॉल्व कर दिया जाता है तुरंत, पूछने की ज़रूरत नहीं है। आपको अच्छे से प्रॉब्लम
पता लगे। देखिए रेड कलर का आपको देख रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, इस तरह से आप देखेंगे कि पेन के किनारे किनारे भी एनर्जी फील्ड होती है। अगर वैसी फील्ड आप खींच लीजिए और इसके अंदर में रेड आएगा, लेकिन जब आप लिखने लगते हो आपकी एनर्जी इसके संपर्क में आती है तब इसकी एनर्जी भी ग्रीन हो जाती है, इसमें भी एनर्जी आ जाती है। इस तरह से हम जिसके भी संपर्क में आते हैं उसकी एनर्जी फील्ड भी चेंज होती है, इसलिए हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखना ही चाहिए। देखिए बिफोर प्रेयर, अगर आप प्रेयर करते हो ग्लास पानी ले रहे हो बिना प्रेयर के तो रेड रेड दिख रहा है, लेकिन जब आप प्रेयर करके वाटर ग्लास ले रहे हो पॉजिटिव थिंकिंग से तो वो वाटर भी पॉजिटिव हो जा रहा है, एनर्जी इफेक्ट आ रहा है। वाइब्रेशन योर कम्युनिकेशन इन्फ्लुएंस फोटोग्राफ्स टू, अगर आप भगवान की प्रार्थना जहाँ बैठते हो भगवान से प्रार्थना करते हो तो वहाँ ग्रीन होता है, रेगुलर प्रेयर पे गुड एनर्जी होती है, लेकिन जहाँ आप प्रेयर नहीं करते रेड हो जाती है। आपके सिग्नेचर की भी एनर्जी होती है, सिग्नेचर रिवीलिंग डिफरेंस एनर्जी, अलग अलग सिग्नेचर की अलग अलग एनर्जी होती है उनकी पॉजिटिव थिंकिंग की वजह से। तो आप एनर्जी को पॉजिटिव बनाओ, बनाओ पॉजिटिव। देखिए ये हस्ताक्षर की अलग अलग ऊर्जा, यहाँ पर रेड है पॉजिटिव थिंकर की एनर्जी किस तरह से दिख रही है आपको, है ना। तो सबकी एनर्जी उसके थिंकिंग पर, उसकी पॉजिटिव फीलिंग्स पर होती है, जितना आप पॉजिटिव रखते हो। पॉजिटिव वॉस्ट एनर्जी, जहाँ पे पॉजिटिव थिंक पॉजिटिव लोग होते हैं वहाँ की एनर्जी वहाँ पे एनर्जी होती है ऐसे ही ग्रीन ग्रीन दिख रही है, ठीक है। और जहाँ पे देखिए ब्लैक दिख रहा है ना आपको, वहाँ निगेटिव एनर्जी है, जो हमेशा किसी की बुराई करना ये सब चीज़ें करना, उस एनर्जी को चेंज करो। आप जैसा सोचते हो जैसा बोलते हो वैसे इन्वायरमेंट भी बन जाता है, तो पॉजिटिव थिंकिंग करो। राइट फूड कॉम्बिनेशन, वेजिटेबल रॉ एंड कुक्ड, रूट्स के साथ, नॉन वेज के साथ, डेयरी प्रोडक्ट के साथ, ग्रेन प्लस ये सब नहीं खाना चाहिए, नट्स एंड सीड, इसका कॉम्बिनेशन बिल्कुल रॉन्ग होता है। ग्रेन पल्स के लिए डेयरी प्रोडक्ट खाइए, केवल डेयरी प्रोडक्ट, फ्रूट्स खाइए तो केवल फ्रूट्स खाइए, साइट्रस फ्रूट खाइए तो साइट्रस फ्रूट खाइए, नहीं सिंगल सिंगल खाइए, अलग अलग। ऐसा नहीं कि फ्रूट्स खा लिया फिर चलो जूस जूस पी लेते हैं, फिर चलो हम लोग डेयरी प्रोडक्ट का कुछ मिठाई खा लिया, ऐसा नहीं। मिल्क द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ द हार्ट, हार्ट अटैक एंड ऑफन ऑफ मिल्क ओरिजिन नॉट एक्सीडेंट, फ्रेश नट्स आर द बेस्ट प्रोटेक्टर ऑफ द हार्ट। मीन्स आप जो दूध पीते हो ये भी हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है। देखिए ईट फ्राइड फूड्स, खाइए, गेट रेडी टू दिस डिजीज़। तो आप अगर फ्राइड फूड खा रहे हैं तो कैंसर, ओबेसिटी, फाइब्रॉइड क्रिस्टल, लीवर एलिमेंट, नोड्स, हार्ट ब्लॉकेज ये सब हो जा रहा है। अल्टीमेट लॉ ऑफ फूड, ईट ओनली व्हेन हंग्री फॉर 100% डाइजेशन, अगर बहुत ज़्यादा भूख लगी तभी स्टार्ट करिए खाना, यानी कि हम 9 बजे चलो खा लो 7 बजे, नो। ईट सिंपल कॉम्बिनेशन, नो वेराइटीज़, कंज्यूम मोर फ्रूट्स, नट्स, स्प्राउट, वेजिटेबल एंड लेजर, रियल एंड नॉन वेज। सो आई थिंक यू अंडरस्टैंड।